हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चंदली क्रिएशंस। मैं हूं सुमन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज के आई बनाना। आई बनाने के लिए मैंने ये सुई और धागा लिया है। आप सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे नॉर्मली हम आई बनाते हैं तो उसमें हमारे साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नॉर्मली जब हम आई बनाते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम सुई को इसमें बार बार इसमें डालते हैं गांठ को लगाने के लिए, इस तरह से नीचे से हमें जब सुई डालते हैं तो उसके साथ हमारा कई बार जो क्या होता है कि कपड़ा साथ में अटैच हो जाता है, और जब हम आई बनाते हैं तो वो हमारी इसमें बंद हो जाती है, और जब इसमें हम हुक वगैरह डालते हैं तो वो नहीं फिट होता है, और साथ ही हमें कई बार इसमें गांठ लगाते हैं तो उसमें गांठ को जब हम खींचते हैं तो इसमें धागा जो होता है उसको उलझने का भी रहता है। बिगनर्स को ऐसे आई बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह से जब हम आई को बनाते हैं तो कई बार इसमें धागा जो होता है वो खींचते टाइम इसमें उलझ जाता है इस तरह से, और जब उलझ जाता है तो हमारी बनाई हुई जो आई होती है वो पूरी खराब हो जाती है। तो आज हम जो आई बनाएंगे इसमें सुई का बार बार उपयोग नहीं होगा, और जो आई बनेगी बहुत ही ईजी तरीके से बनेगी। आई बनाने के लिए मैंने ये धागा लिए, सुई ली है, इसमें मैंने धागे को डाला है डबल करके, यानी फोर फोल्ड धागा हो गया है, और नीचे की तरफ से मैंने इसमें नोट बांध दी है और मैंने इसमें मार्किंग कर रखी है जहाँ पे मुझे आई बनाना है। आई बनाने के लिए सबसे पहले नीचे से मैं सुई को ऊपर की तरफ सीधे की तरफ से हमें निकालना है और इसे वापस उसी जगह से नीचे की तरफ डालना है। धागे को पूरा नहीं खींचना है, थोड़ा सा धागा ऊपर रखते हुए हमें सुई को वापस ऊपर की तरफ निकालना है। इस तरह से अब हम जो आई बनाएंगे वो सिर्फ हम हाथ की मदद से बनाएंगे। इस तरह से खुले भाग से इस जो सुई वाला जो धागा है उसको अंदर डालना है और हल्के से इसे खींचना है। अब खींच के इसे हमें टाइट कर लेना है। इस तरह से ये नोट बनानी है हमें। यही प्रोसेसिंग हमें 7 बार करनी है। इस तरह से धागे को डालना है और खींचना है, यानी इस तरह से 7 गांठ हमें लगानी है। इसमें हमें सुई का यूज़ नहीं हो रहा है, ना ही कोई कपड़ा अटैच होने का झंझट है और ना ही इसमें धागा उलझने का है। इस तरह से मैंने इसमें देखो 7 गांठ लगा ली है। इस तरह से देखो ये आई बन गई है। अभी हमें करना क्या है, इस जो खुले भाग से सुई को निकालना है और यहाँ से हमें इसे लॉक करना है। लॉक करने के बाद हमें सुई को थोड़ा आगे की तरफ से नीचे की तरफ खींचना है जहाँ से हमारी आई बन जाएगी, और पीछे से इस धागे को लॉक करके इसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से हमारी आई बनके तैयार हो गई है। इसमें ना ही कोई धागा उलझने का झंझट है, बहुत ही सुंदर बनके तैयार हो।